आप लोग कैसे हो उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे तो दोस्तों आज मैं नवरात्रि स्पेशल आप लोग के साथ ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप तुरंत देखोगे और बनाए बिना रह नहीं पाओगे एक तो ये रेसिपी मिनटों में बन जाती है ज़्यादा तामझाम नहीं है साथ ही साथ ये हेल्दी बहुत है हेल्दी होने के साथ साथ दोस्तों काफ़ी सारे न्यूट्रिशन इस रेसिपी में है जो बढ़ के दिनों में आपके शरीर को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए बस एक कटोरी खा लीजिए पूरा पूरा हो जाएगा तो बस इस ट्रिक से आप इस रेसिपी को बनाइएगा और अच्छा लग जाएगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ऐसी अच्छी अच्छी प्यारी रेसिपी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा तो चलिए दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं ये रेसिपी कैसी बनती है तो सबसे पहले यहाँ पे शुद्ध देसी गाय का घी हम इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी में दोस्तों घी जो थी काफ़ी मेल्ट हो गई है क्योंकि कढ़ाई मैंने पहले ही चढ़ा दिया था गर्म हो गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों अस्सी ग्राम करीब हमारा काजू है तो काजू को पहले हम रोस्ट कर लेते हैं तो दोस्तों काजू हमारा अच्छे से भुना गया था डेढ़ मिनट में ही और इस तरह से आप देख सकते हो वीडियो में ऐसा करके भून लिया था और इसको अलग से बर्तन में हमने निकाल लिया है तो दोस्तों अब हम यहाँ पे मखाना ऐड करेंगे तो मखाना मैं यहाँ पे करीब डेढ़ सौ ग्राम ऐड कर रही हूँ दो कटोरी मैंने ले लिया है भर के और मखाना की और जो काजू है उसकी क्वांटिटी आप कितना बना रहे हो कम ज़्यादा कर सकते हो और यहाँ पे जितना मुझे बनाना है उतना मैंने डेढ़ सौ ग्राम ले लिया है दोस्तों तो दोस्तों मखाना जो है बहुत ही हेल्दी होती है बर्थ के दिनों में आप इसे खाइए या फिर बिना बर्थ के खाइए आपको हमेशा फ़ायदा ही पहुँचाएगा दोस्तों और ये जो है बहुत सारे औषधिक गुणों से भरपूर है काफ़ी न्यूट्रिशन इसमें रहती है दोस्तों एक तो ये देखने में बहुत प्यारा है दोस्तों और बचपन में जब मैं गर्मी की छुट्टी में अपने घर जाती थी गांव तो पानी में घूस घूस के जो कच्चा वाला पार्ट होता है ना मखाना का तो वो मुझे बहुत अधिक प्रिय होता था और वो मैं बहुत ही खाती थी जब तक मुझे उस पोखर में मिलता था तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कच्चा पाट मखाने का किसने किसने देखा है और किसने किसने कच्चे वाले भाग का स्वाद लिया है तो दोस्तों मखाना जो है आपके सिर के बाल से लेके हाथों की से ले के नाखून से लेके पैरों की नाखून तक बहुत ही लाभ पहुंचाने वाली चीज़ है दोस्तों एक तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही लाभकारिक है ये शुगर को कंट्रोल करता है हमारे शरीर में रक्तचाप को कंट्रोल करता है सुचारू रूप से चलाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मजबूत करता है दोस्तों वेट लूज में भी ये काफ़ी काम आता है पोटासियम कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन इसमें काफ़ी ऐसी न्यूट्रिशन भरी पड़ी है जिनका सेवन करके अगर आपके शरीर में इन सारी चीज़ों की कमी है इन सारी न्यूट्रिशन का तो मखान का सेवन करके आप इन सारी कमियों को पूरा कर सकते हैं बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है और साथ ही साथ ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत ही बढ़िया है बालों के जो झड़ते हैं उनके लिए भी बहुत ही लाभकारिक है आँखों के लिए बहुत ही हेल्दी है साथ ही साथ बच्चों के लिए बहुत ही जो बढ़ते बच्चे हैं और पढ़ते बच्चे उनके लिए भी ये बहुत हेल्दी है मखाना तो अपने रेगुलर डाइट में इसे ज़रूर शामिल करना चाहिए साथ ही साथ ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है दोस्तों और इनका सेवन करने से क्या होता है कि समय से पहले आपको बुढ़ापा भी नहीं आएगा दोस्तों तो इसका सेवन ज़रूर करें क्योंकि ये कॉस्टली है तो रेगुलर आप इसका सेवन नहीं कर सकते लेकिन वीक में तो दो दिन इसका इस्तेमाल करना ही चाहिए अपने डाइट में इसको ज़रूर शामिल कीजिए बहुत ही हेल्दी होती है मखाना हमारा भून के रेडी हो गया है कितना सुनहरा कलर आ गया है इसको जलाना बिल्कुल नहीं है दोस्तों तो दोस्तों मैंने इसे और काजू को घी में भुना है आप चाहो तो काजू जो है और मखाना है इसको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हो लेकिन घी जो है काफी हेल्दी होती है बर्थ के दिनों में आपको ऊर्जा प्रदान करेगा देखिए दोस्तों अलग से बर्तन में निकाल लिया है ये काफ़ी क्रिस्पी हो गया था दोस्तों सेम कढ़ाई में लगभग हम एक ही चम्मच करीब ऑयल डालेंगे मस्टर्ड ऑयल और इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं हो गई है काफ़ी और यहाँ पे खड़े मसाले आप देख सकते हो मेरी छोटी तेज पत्ता है इसीलिए दो मैंने ली है अगर आपकी बड़ी रहेगी तो आप एक लीजिएगा और यहाँ पे दो सूखी हुई स्पाइसी वाली मिर्ची है एक बड़ी इलायची है और चार जो है हमारी छोटी इलायची और इतना करीब दालचीनी का टुकड़ा है तो ये खड़े मसाले हैं इसे टेस्ट फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा दोस्तों और यहाँ पे आप अदरक है डेढ़ इंच करीब और यहाँ पे स्पाइसी वाली ही मैं मिर्ची ले रही हूँ हरी मिर्ची एक मिनट हो गया है मसाले अच्छे से भुना गए हैं अब यहाँ पे दोस्तों मेरी छोटी साइज की टमाटर थी इसीलिए मैंने छह से सात टमाटर लिया है आपकी अगर बड़ी रहेगी तो आप दो से तीन टमाटर ले लीजिएगा ये मेरे दो से तीन ही टमाटर के बराबर टमाटर है दोस्तों अब यहाँ पे टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए हाफ स्पून करीब में नमक डाल रही हूँ सारे चीज़ों को हम मिला लेते हैं दोस्तों तो दोस्तों अब यहाँ पे क्रीमी सब्जी में क्रीमी टेक्सचर देने के लिए यहाँ पे रोस्टेड मूंगफली है इसको पहले ही हमने रोस्ट कर लिया था और छिलका हमने निकाल दिया है तो लगभग मैं यहाँ पे 35 ग्राम मूंगफली ले रही हूँ साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो 6 ग्राम करीब मैंने यहाँ पे नारियल लिया है सूखा हुआ नारियल लिया है तो बर्फ़ के दिनों में आपको जो भी इसमें पसंद नहीं पड़ता है या जो भी आप नहीं खाते हो वो आप स्केप कर सकते हो दोस्तों पे थोड़ा सा हम आप देख सकते हो चार से पाँच चम्मच करीब मैं इसमें पानी दे रही हूँ ज्यादा पानी हमें नहीं देना है दोस्तों कन हमने लगा दिया है दोस्तों और लो टू मीडियम पे इसको तीन मिनट के लिए हम पकने देते हैं तो दोस्तों दो से तीन मिनट हो गया है अब इस स्टेज पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और थोड़ा मसाला जो है उसको ठंडा होने देते हैं ये लीजिए दोस्तों सारे मसाले जो हैं ठंडा हो गए थे और इनको मैंने मिक्सी के जार में दे दिया है अभी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे और इसको बहुत बारीक एकदम फाइन पेस्ट करके हम पीस लेते हैं ये लीजिए दोस्तों सारे मसाले को हमने फ़ाइन पेस्ट कर लिया है और इसका कलर खुशबू बहुत ही बढ़िया है बहुत ही मनमोहक है दोस्तों इस ट्रिक से अगर आप ये रेसिपी बनाओगे ना तो आपको बर्थ में भी फील नहीं होगा कि आप अभी उपास रखे हुए दोस्तों बिना बर्थ के भी आप इसको बना सकते हो बहुत ही इन खड़े मसालों के साथ और मूंगफली नारियल के साथ ये जो रेसिपी है बहुत ही क्रीमी एकदम ढाबा स्टाइल आप जो रेस्टोरेंट में खाते हो ना उसको भी मात करने वाला ये रेसिपी है दोस्तों सिंपल सादगी भरा और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है तो इसको साइड रख देते हैं दोस्तों कढ़ाई मैंने सेम कढ़ाई ली है आप चाहो तो दूसरा बर्तन भी ले सकते हो इस रेसिपी में ज़्यादा बर्तन की आवश्यकता भी नहीं होती है शुरू से लेके आप देख सकते हो कि अभी तक मैंने एक ही कढ़ाई में सारा काम किया है तो बहुत ही इजीली ये रेसिपी बनने वाली है और गरम हो गया था हमारा कढ़ाई तो इसमें मैंने दो चम्मच करीब तेल डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल तो ऑयल हमारी गरम हो गई है आप बर्त में जो ऑयल खाते हो तेल वगैरह आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा अब यहाँ पे एक चम्मच करीब मैंने जीरा ले लिया है और साथ ही साथ मीठा वाला सौफ है तो इसका टेस्ट फ्लेवर बढ़िया आता है तो एक चम्मच ये भी ले लिया है अब यहाँ पे एक सूखी हुई मिर्ची और एक तेज पत्ता को मैंने दो भागों में टुकड़ा कर दिया है हमने प्योरी पीस के रखा था फ़ौरन हमारा जल गया है धीरे धीरे करके गैस का फ्लेम कम कर दीजिएगा और इस स्टेज पे सारा प्योरी हम डाल देंगे दोस्तों सारी ग्रेवी हमने डाल दी है अब यहाँ पे देख सकते हो टर्मरिक पाउडर है तो यहाँ पर हाफ स्पून करीब मैं टर्मरिक पाउडर ऐड कर रही हूँ साथ ही साथ यहाँ पे टेस्ट और फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा तो एक चम्मच यहाँ पे मैं रेड चिली पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि रेड चिली सूखी हुई और हरी मिर्ची मैंने ग्रेवी में ऑलरेडी दे रखी थी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च मसाले ऐड कीजिएगा साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो डेढ़ चम्मच करीब भुना हुआ जो घर का ही है ये धनिया पाउडर है यहाँ पे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे तो ये सेंधा नमक ही है मैं सेंधा नमक बर्त वाले ही नमक इस्तेमाल कर रही हूँ तो दोस्तों सारे मसाले को हमने मिला लिया है अब इन्हें लो टू मीडियम गैस पे ही थोड़ा सा हम भून लेते हैं तो ये लीजिए दोस्तों साइड साइड्स में आप देख सकते हो जो मसाले हैं बढ़िया से हमारे भून गए हैं ऑयल रिलीज हो गया है और इसका कलर देखिए कितना बढ़िया आया है दोस्तों ये देख सकते हैं मैं नज़दीक से भी दिखा दे रही हूँ इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया है टेक्सचर भी बहुत बढ़िया आया है ज़्यादा समय नहीं लगता है इस स्टेज पे बस डेढ़ मिनट में ही हमारा मसाला अच्छे से भुना गया क्योंकि हमने टमाटर और जो खड़े मसाले वगैरह थे वो काफ़ी पहले ही भुने हुए थे तो ज़्यादा समय नहीं लगता है किसी के जार में ही थोड़ा लगा हुआ था तो जितना ठीक मीडियम और गाढ़ा जैसा बनाना है उतना पानी मैं अपने हिसाब से इसमें ऐड कर रही हूँ दोस्तों और पानी जो है दोस्तों मैंने गर्म ही लिया है क्योंकि ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं लगेगा मसाले वगैरह हमारे भुने हुए थे ना तो मैंने गर्म पानी पहले ही करके रखा हुआ था और गर्म पानी मैंने इसमें डाल दिया तो अब ढक्कन लगा के मसाला भुना है पानी भी गर्म है तो इस स्टेज पे ज़्यादा समय नहीं लगेगा दो मिनट के लिए लो टू मीडियम पे ही हम इसको बढ़िया से पकने देते हैं दोस्तों दो मिनट हो गया है अब हम इसका ढक्कन जो है निकाल देते हैं इस स्टेज पर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो भुना हुआ जीरा है तो यहाँ पे डेढ़ चम्मच मैं भुना हुआ जीरा ले रही हूँ साथ ही साथ यहाँ पे दर दरा भुना हुआ ब्लैक पेपर है तो वन फोर्थ करीब मैं ब्लैक पेपर ले रही हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे गरम मसाला है तो वो भी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें वन फोर्थ करीब अब यहाँ पे इन सारे मसालों को हम ग्रेवी के साथ मिला लेते हैं दोस्तों तो दोस्तों प्याज लहसुन मैंने नहीं इसमें ऐड किया है जो प्याज लहसुन खाते हैं दोस्तों जब हमने टमाटर वगैरह सब भुना था तब आप इसमें प्याज को दे दीजिएगा भूनते समय उसके बाद ठंडा हो जाएगा तो ग्रेवी के साथ ग्राइंड कर लीजिएगा उसके बाद जब आप फोरन डालोगे तो लहसन है लहसन को भी चॉप्ड करके और एक प्याज को बहुत बारीक काट के फोरन के समय भी भून लीजिएगा और ग्रेवी के साथ सारे मसाले को जैसे मैंने बनाया है वैसे भून लीजिएगा जो प्याज लहसुन खाते हैं उनके लिए भी ये इस तरह से बेस्ट रेसिपी है बहुत ही बढ़िया लगेगा दोस्तों लेकिन मैं बर्त वाली सब्जी बना रही हूँ और जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं उनके लिए बर्थ के दिनों में ये बेस्ट रेसिपी है क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिशन आपको मिलने वाले हैं दोस्तों और बहुत ही गजब का टेस्ट आएगा इस ट्रिक से बनाने पे दोस्तों इस स्टेज पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो तीन चम्मच में घी का इस्तेमाल कर रही हूँ आप चाहो तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो टेस्ट फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है लेकिन बर्थ वाली रेसिपी है इसीलिए मैं इसमें घी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ घी ज़्यादा उत्तम है और बहुत हेल्दी भी होती है गाय की घी बहुत सारे बेनिफिट हैं इसीलिए मैं घी को ही डाल दे रही हूँ अगर आपको बटर चाहिए होगा तो आप बटर डाल दीजिएगा इस स्टेज पे साथ ही साथ यहाँ पे भुना हुआ हमने जो काजू रखा था तो काजू सारे डाल देते हैं दोस्तों आप बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पूरा हमारा जल्दी ही अर्ली ही बन जाएगा दोस्तों तो बनाने में भी कोई ज़्यादा झंझट नहीं है तो एक बार आप इस ट्रिक से ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को मैं गारंटी देती हूँ दोस्तों कि आप उंगलियां चाटते चाटते प्लेट भी चट कर जाओगे तो ये सारा मिल घुल गया है पक गया है बढ़िया से और आपको अगर दोस्तों लगे कि ग्रेवी जो है आपकी ज़्यादा ठीक हो गई है और थोड़ा सा पानी चाहिए तो आप इस कंडीशन में क्या कीजिएगा गरम पानी थोड़ा सा डाल लीजिएगा और अपने ग्रेवी को एडजस्ट कर लीजिएगा लेकिन गरम ही पानी डालिएगा ठंडा पानी बिल्कुल मत डालिएगा क्योंकि जो मसाले वगैरह सब हैं वो हमारे ऑलरेडी भुने हुए रहते हैं गर्म रहते हैं इसीलिए ठंडा पानी ऐड नहीं करना चाहिए आप गर्म पानी यूज़ कर लीजिएगा अब इस स्टेज पे दोस्तों मखाना हमने जो भून के रखा था मखाना डालेंगे तो मखाना जो है दोस्तों रिच कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर है तो बॉन्स वगैरह सब में भी कहीं पेन वगैरह सब होता है बॉन्स की समस्या है तो उसके लिए भी ये लाभकारी है तो दोस्तों मखानों के साथ एक से डेढ़ मिनट हमने फिर पका लिया है अब यहाँ पर फ्रेश फ्रेश क्रीम है दोस्तों तो यहाँ पे मैं फ्रेश क्रीम घर की जो मलाई थी उसको मैंने ग्राइंड कर लिया मिक्सी के जार में और फ्रेश मलाई से ये रेसिपी जो है ना एकदम क्रीमी और एकदम बढ़िया बनेगी तो फ्रेश क्रीम जरूर इस्तेमाल कीजिएगा आप तो दोस्तों इस स्टेज पे हम यहाँ पे कस्तूरी मेथी है तो इसको भून के और क्रश करके रखा हुआ था तो वो दे देते हैं टेस्ट फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है दोस्तों दोस्तों अगर आपको कुछ डिफरेंट और नया बर्थ में खाने का इच्छा करेगा तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं रेगुलर दिनों में भी जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और इस रेसिपी को किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं नान पूरी पराठा भरवा पराठा चावल किसी के साथ भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी और डिलेसियस लगता है नमक मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा तो ये लीजिए दोस्तों पूरा जो हमारा सब्जी है बनके रेडी हो गया है इस स्टेज पे हम अपना गैस का फ्लेम बंद कर देंगे तो अब यहाँ पे गैस बंद कर दिया है था अब यहाँ पे हरी हरी धनिया पत्ता डाल देंगे दोस्तों और अभी तुरंत सर्व नहीं करेंगे जैसे कि हम हर रेसिपी में करते हैं ये अभी गर्म है तो थोड़ा सा ढक्कन लगा देते हैं और पाँच दस मिनट के लिए छोड़ देते हैं तब इसके बाद सर्व करेंगे तो दोस्तों दस मिनट हो गया है अब ये पूरी तरह से सर्व करने के लिए रेडी है दोस्तों देखिए दोस्तों हमारा जो काजू मखाना मसाला है कितना बढ़िया लग रहा है आपको मैं नज़दीक से भी दिखा दे रही हूँ इसका रंग रूप टेक्सचर फ्लेवर जो भी है खुशबू वगैरह बहुत ही बढ़िया है इस ट्रिक से आप रेसिपी को बनाओगे ना घर पे तो रेस्टोरेंट ढाबा पे जो आपका काजू मखाना मसाला है खाना भूल जाओगे दोस्तों बिना लहसुन प्याज के ही ये इतना बढ़िया क्रीमी टेक्सचर वाला हमारा सब्जी बनके रेडी हो गया है और उपवास के दिनों में तो चार चांद लग जाएगा आप किसी भी विशेष ओकेजन पे इसको बना सकते हो अपने फैमिली फ्रेंड्स गेस्ट के साथ इंजॉय कर सकते हो साथ ही साथ आप जो थाली बनाते हो स्पेशल फेस्टिवल स्पेशल थाली उसमें भी इसको ट्राई कर सकते हो बहुत ही बढ़िया लगेगी दोस्तों तो एक बार इस ट्रिक से ज़रूर बनाइएगा तो जब तक ऐसी प्यारी रेसिपी से मिलती हूँ इंस्टेंटली एक ही बर्तन में बनने वाली रेसिपी से तब तक आप इसको बनाइए फुल फैमिली फुल दोस्तों के साथ इंजॉय कीजिए और इस रेसिपी को खाते खाते अपने इस प्यारी सी दोस्त को याद कीजिए बाय बाय टेक केयर